हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ये न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जो दूसरे एग्जाम से, चाहे वो आपका टीजीटी का एग्जाम हो, पीजीटी का एग्जाम हो, एसटेट के एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, नकाद का अहम तरीन फरीजा यह है कि गैर जानबदारी से काम ले, वह जाती जज्बात, रुझानात और ताल्लुकात को वक्ती तौर पर भूल जाए, ये बयान किस तनकीद निगार का है। पहला ऑप्शन आपके सामने देखिए तो आला अहमद सुरूर हैं, दूसरे में सैयद एहतशाम हुसैन हैं, तीसरे ऑप्शन में उसलूब अहमद अंसारी हैं और चौथे ऑप्शन में मोहम्मद हसन हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी उसलूब अहमद अंसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, तासुराती तनकीद को किस नाकिद ने जदीद तनकीद या तख्लीकी तनकीद कहा है। पहला ऑप्शन है स्पिंगारम, दूसरे में वाल्टर पीटर है, तीसरे ऑप्शन में टी एस एलियट है और फोर्थ में ऑस्कर वाइल्ड है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अहम सवालात है ये सभी। तो दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए एक स्टेटमेंट और मैं भी आपको बता रहा हूं, आप बताइएगा ये किसका है, किसका बयान है। तासुराती तनकीद को तनकीद कहना सेहत से खाली गैर जिम्मेदाराना किस्म की चीज है। तासुराती तनकीद को तनकीद कहना सेहत से खाली गैर जिम्मेदाराना किस्म की चीज है, ये स्टेटमेंट, ये बयान किसका है, जल्दी से जवाब दीजिए। तो चलिए नोट कर लीजिएगा, यह बयान है कलीमुद्दीन अहमद का। किसका बयान है भाई, कलीमुद्दीन अहमद का, जिनकी पैदाइश हुई 1908 ईस्वी में पटना में और 1983 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी बहुत सारी अहम तसनीफात हैं, उर्दू तनकीद पर एक नज़र, उर्दू शायरी पर एक नज़र, सुखन हाय गुफ्तनी, अपनी तलाश में, इसे आप नोट कीजिए, अहम है, अपनी तलाश में आपकी खुदनविश्त है, यानी ऑटोबायोग्राफी है। अपनी तलाश में आपकी खुदनविश्त है, ऑटोबायोग्राफी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज़ेल में किसने नफ्सियाती तनकीद में एहसास कमतरी पर जोर दिया है। एहसास कमतरी का मतलब इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एहसास कमतरी को इंग्लिश में कहते हैं इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी, और ऐसे होता है एहसास बढ़तरी यानी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। चलिए जवाब दीजिएगा, किसने नफ्सियाती तनकीद में एहसास कमतरी पर जोर दिया, एडलर, फ्राइड, जोन, शबीहुल हसन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी एडलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाली ने शायरी की जो शर्तें बताई हैं उनकी तरतीब क्या है। पहले ऑप्शन में अगर आप देखते हैं तो कायनात का मुताला, तखयुल, तफहुस अल्फाज, दूसरे ऑप्शन में तफहुस अल्फाज, तखयुल, कायनात का मुताला, तीसरे में तखयुल, कायनात का मुताला, तफहुस अल्फाज और चौथे ऑप्शन में है कायनात का मुताला, तखयुल और तफहुस अल्फाज। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सभी सवालात जो है बहुत अहम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर क्वेश्चन अपने आप में बहुत अहम है, इसीलिए जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो बिल्कुल जल्दबाजी नहीं कीजिए। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी तखयुल, कायनात का मुताला और तफहुस अल्फाज। चलिए हाल ही बहुत अहम है, ठीक है जी। तो हाल ही के बारे में सबसे पहले चीज तो यही आपको मालूम हो कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, और इसी के साथ साथ में आपकी कुछ अहम सवानही तसनीफात हैं जिनमें आप नोट कर लीजिएगा हयात सादी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप बताएंगे हयात सादी आपने कब तख्लीक की है, ऐसे आप बताइएगा यादगार गालिब, यादगार गालिब
आपने ये कब लिखी है, ऐसे आप मुझे बताएंगे हयात जावेद। ठीक है, याद रखिए इनकी तरतीब भी एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, जमानी एतबार से तरतीब भी एग्जाम में पूछी गई है, इसलिए जानना आपको जरूरी है। चलिए, तो पहली चीज नोट कीजिएगा, हाल ही की जो पैदाइश हुई 1837 में पानीपत में आपकी पैदाइश हुई है और 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। 1914 में अल्लामा शिबली नौमानी का भी इंतकाल हुआ है आजमगढ़ में। चलिए, हयात सादी आपने ये सवानह तसनीफ कब लिखी है, तो 1886 ईस्वी में। कब भाई? 1886। और यादगार गालिब 1897 ईस्वी और हयात जावेद 1901 ईस्वी। देखो, याद करने का आपके यहाँ से तरीका बनाना पड़ता है। 1886 ही आपको याद रखना होगा, 86 उसके बाद में 7 है। ठीक है, यानी 97। ठीक है, 86 को 87 नहीं, यानी आपको याद रखना है कि 10 का गैप आएगा, यानी अगले डिजिट में पहुंचेंगे। तो 86 के साथ में 97 अपने आप से आपको याद हो जाएगा। फिर 7 में से 6 को माइनस करेंगे, 1901 आएगा, यानी 1901 याद रखना है। कुछ भी इस तरह से अपने आप से एक तरतीब बना लीजिए, अपने जहन की चीजें आपको याद रहें। चलिए, हाल ही के ताल्लुक से आप बताइएगा, हाल ही की गजलों में सेहतमंद अदबी शोर है, हाल ही की गजलों में सेहतमंद अदबी शोर है, ये बयान किसका है? तो आपका जवाब हो जाएगा आल अहमद सुरूर। किसका बयान है? आल अहमद सुरूर, जरूर याद रखेंगे। जिनकी खुद नविश्त है ख्वाब बाकी है, ख्वाब बाकी है, किसकी खुद नविश्त है? आल अहमद सुरूर। अगला क्वेश्चन देखिए, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए, एहतशाम हुसैन गालिब की बुतशिकनी, आलम सुरूर अदब और जिंदगी, कलीमुद्दीन अहमद लफ्ज व माना, मोहम्मद हसन तनकीद क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से निशानदेही कीजिए। तो आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फिर ये आप बताइए, अदब और जिंदगी के मुसन्निफ कौन है, लफ्ज व माना किसकी किताब है, और ऐसे तनकीद क्या है, किसकी तसनीफ है? देखिए, ये तीनों ही किताबें अपने आप में बहुत अहम हैं। तो सबसे पहले नोट कीजिए, अदब और जिंदगी के मुसन्निफ कौन है, तो अदब और जिंदगी के मुसन्निफ है मजनू गोरखपुरी। नोट कर लीजिएगा, मजनू गोरखपुरी। क्लियर सभी को? लफ्ज व माना के मुसन्निफ कौन है, तो शम्सुर रहमान फारूकी। नाम जरूर नोट कीजिएगा, शम्सुर रहमान फारूकी। क्लियर हो गया? तनकीद क्या है कि मुसन्निफ कौन है, तो आपका जवाब हो जाएगा आल अहमद सुरूर। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़िन में दिए गए बयानात को गौर से पढ़िए और दुरुस्त बयानात को निशान जद कीजिए। देखिए, आपको चार बयानात दिए गए हैं, चारों को आप डिलीट कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरा जुमरा आपका सही है, और इसी के साथ साथ में तीसरा भी सही है और चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ पे कहा जा रहा कि पहले बयान में ब्राचट और ब्रंश गुजरात में राइज थी, तो सही कर लीजिएगा, गुजरात में नहीं बल्कि कहाँ राइज थी, सिंध में राइज थी। ठीक है जी, कहाँ राइज थी, सिंध में राइज थी, जरूर आप याद रखिएगा। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मथुरा में बोली जाने वाली शोरशिनी अपभ्रंश में कितनी बोलियां शामिल हैं? पहले ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो 10, दूसरे में है 5, तीसरे में है 4 और चौथे ऑप्शन में है 3। तो ये बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी 4 बोलियां शामिल हैं। ठीक है, कितनी बोलियां शामिल हैं? 4। अभी 4 बोलियां कौन कौन सी हैं आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। नंबर 1, खड़ी बोली या हिंदुस्तानी। नंबर 1 आप नोट करेंगे, खड़ी बोली या हिंदुस्तानी। ठीक है जी, उसके बाद आप नंबर 2 पे नोट कीजिएगा, राजस्थानी। नंबर 3 आप नोट कीजिएगा, पंजाबी। ठीक है जी, नंबर 4 आप नोट करेंगे, गुजराती और पहाड़ी बोलियां, गुजराती और पहाड़ी बोलियां। क्लियर है? ऐसे में आपको यह भी मालूम होना चाहिए मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं। मगरबी हिंदी में
कुल कितनी बोलियां शामिल हैं और वो कौन कौन सी बोलियां हैं, इसका जवाब जो है आप कमेंट में दीजिए। मगरबी हिंदी में कितनी बोलियां शामिल हैं और पांच बोलियां कौन कौन सी, देखो बिना आंसर भी आपको बता दिया। अब आप उस बोलियों के नाम बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ज़ेल में दो बयान सही हैं, ज़ेल में दो बयान सही हैं, सही बयान की निशानदेही आपको करनी है। शोरशनी प्राकृत मथुरा में बोली जाती थी जो संस्कृत के बाद आला तपटे में सबसे ज्यादा मकबूल थी। नंबर दो, आला तपटे के लोग पाली बोलते थे। नंबर तीन, पाली को जदीद मागधी भी कहा जाता है। नंबर फोर, पिशाची कश्मीर और पंजाब के इलाके की प्राकृत थी। सही जवाब की निशानदेही कीजिए। तो आप सब मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सब नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी आपका सही हो जाएगा। दूसरे जुमरे में, दूसरे बयान में कहा जा रहा है कि आला तबके के लोग पाली बोलते थे, तो सही क्या हो जाएगा, याद रखेंगे पाली अवाम की जुबान रही है, पाली जो है अवाम की जुबान रही है। इसके बाद देखिए, पाली को जदीद मागधी भी कहा जाता है, तो याद रखेंगे पाली को जदीद मागधी भी नहीं बल्कि कदीम मागधी, सही क्या हो जाएगा कदीम। क्लियर हो गया सभी को, नोट करते रहेंगे, बहुत अहम फैक्ट है ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ज़ेल में दो जुमरे सही हैं, खड़ी बोली राजस्थानी पंजाबी गुजराती, असामी बंगाली उड़िया बिहारी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी मराठी, लहंदा सिंधी हरियाणवी कन्नौजी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला आपका जुमरा सही है और साथ ही साथ में दूसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। क्लियर। खड़ी बोली राजस्थानी पंजाबी गुजराती, ये वो बोलियां हैं जो कि शोरशीनी अपभ्रंश की बोलियां हैं। असामी बंगाली उड़िया बिहारी, ये मशरकी हिंदुस्तान की जुबानें हैं, ठीक है जी, मशरकी हिंदुस्तान की जुबानें हैं। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, ये तीन बोलियां अगर हम शामिल करते हैं तो ये मशरकी हिंदी की तीन बोलियां हैं, ये जुमरा भी सही हो जाएगा। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी मशरकी हिंदी की तीन बोलियां हैं। इसके बाद देखेंगे, शुमाल मगरबी शाख की जुबान है लहंदा और सिंधी, लहंदा और सिंधी किसकी हैं, शुमाल मगरबी शाख की जुबानें हैं। हरियाणवी और कन्नौजी ये मगरबी हिंदी की जेल में आती है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में दिए गए बयान को गौर से पढ़िए और सही बयान को कलम जद कीजिए। पहला बयान है, द्रविड़ की मशहूर शाखें तमिल तेलुगु कन्नड़ और मलयालम हैं। नंबर दो, मसूर हुसैन खां के मुताबिक हिंदुस्तान में आर्यों के दाखिला की तारीख 1500 कबल मसीह मुकर्रर की जा सकती है। नंबर तीन, वस्ती एशिया से आने वाले आर्य पाली बोलते थे। नंबर फोर, आर्याई का पहला मुस्तरद नक्श ऋग्वेद है। सही जवाब की निशानदेही कीजिए। तो आप सब जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का, सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत अहम सवाल आते हैं ये सभी याद रखिए। तो चलिए नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका पहला बयान सही है, दूसरा भी सही है और साथ ही साथ में चौथा भी आपका करेक्ट है। क्लियर है। तीसरे में कहा जा रहा है कि वस्त एशिया से आने वाले आर्या पाली बोलते, तो याद रखेंगे आर्या जो है हिंद यूरोपीय जुबान बोलते थे। क्लियर सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबीले हिदायत किसका मजमुआ है, सबीले हिदायत किसका मजमुआ है, क्या ये मीर तकी मीर का है, मोहम्मद रफी सौदा का है, या फिर मोहम्मद हुसैन आजाद का है, या फिर शेख मोहम्मद इब्राहिम दौक का है। तो जल्दी से जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का, सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सब नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मोहम्मद रफी सौदा। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा बहुत अहम नाम है, आपके बारे में जानना आपको जरूरी है। तो चलिए आप मुझे ये बता दीजिए मोहम्मद रफी के बारे में कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। दूसरी अहम चीज आपके ताल्लुक से ये बताइए आपके वालिद का नाम क्या है, ये भी आप मुझे बता दीजिएगा। और इसी के साथ साथ में सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल किसने कहा, कसीदे का नक्काश अव्वल किसने कहा, ये भी आप मुझे बता दीजिएगा। तो पहली चीज नोट कीजिएगा, 1712 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1781 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम क्या है, तो आपके वालिद का नाम है मोहम्मद शफी। आपके वालिद का नाम क्या है, मोहम्मद शफी, आप नोट कर लीजिए। याद रखिएगा सौदा को कुत्ते पालने का बहुत शौक था,
सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल किसने कहा? तो आपका जवाब हो जाएगा मुसहफी। आपका जवाब क्या हो जाएगा? मुसहफी, जरूर याद रखिएगा। अब मुसहफी के ताल्लुक से क्वेश्चन मैं आपसे करने जा रहा हूं, जवाब दीजिएगा। मुसहफी के तीन तस्करे हैं, मुसहफी ने तीन तस्करे लिखे हैं, वो तीन तस्करे के नाम क्या, उनके उनवान क्या है, इनका जवाब आप दीजिए। ठीक है जी, मुसहफी ने तीन तस्करे लिखे हैं, वो तीन तस्करे कौन से हैं, जवाब देने की कोशिश कीजिए। और इसी के साथ साथ में ये आपको मालूम ही होगा कि निकातु शोरा उर्दू शोरा का पहला तस्करा जो कि मीर तकी मीर का है। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सौदा के शेर को मिसरे सानी से मुकम्मल कीजिए, ये रंजिश में हमको है बेख्तियारी। चार ऑप्शन आपके पास, तुझे तेरी खाकर कसम देखते हैं, जुनामा उसे कर रकम देखते हैं, हम अपना ही दम और कदम देखते हैं, जो कुछ दोष अपने से हम देखते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा तो नोट कर लीजिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। है चरख जब से अब लगे अय्याम पर सवार, किसका कसीदा है? पहले ऑप्शन में आपके सामने जो नाम दिया गया है गालिब है, दूसरे में ज़ौक है, तीसरे में सौदा है, और चौथे ऑप्शन में हकीम मोमिन खा मोमिन है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, सौदा के बारे में अभी हम लोगों ने पीछे बात की थी, यहाँ पे गालिब के बारे में बात कर लेते हैं। गालिब के बारे में क्या क्या चीज़ें आपको मालूम होने, जैसे सन विलादत क्या है, सन वफात क्या, बेसिक चीज़ है। ऐसे ज़ौक के बारे में सन विलादत क्या है, सन वफात क्या है। मोमिन के बारे में सन विलादत क्या है, सन वफात क्या है, क्योंकि जब एग्ज़ाम में ज़मानी एतबार से क्वेश्चन आएंगे तो ये चीज़ें बिल्कुल आपके जहन में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चाहे वफात के एतबार से कहा जाएगा या फिर पैदाइश के एतबार से, दोनों चीज़ें ही अहम हैं। तो चलिए, गालिब के बारे में नोट कीजिएगा। 1797 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है और 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। 1869 में शयुफ्ता का भी इंतकाल हुआ है और साथ ही साथ में रजब अली बेग सुरूर का भी आप इंतकाल हुआ है। गालिब के बारे में बहुत सारी चीज़ें अहम हैं, जैसे गालिब के खतूत के पहले मजमू का नाम क्या है तो वो है उदे हिंदी, गालिब के खतूत के दूसरे मजमू का नाम क्या है तो वह उर्दू मौला। ठीक है जी, दूसरे मजमू का नाम क्या, उर्दू मौला। गालिब ने अपने खतूत में दारुसरूर के नाम से किस जगह को याद किया है तो वो है रामपुर। गालिब ने पेंशन की बहाली के लिए कहाँ का सफर किया तो जवाब हो जाएगा कलकत्ता। चलिए, दौ के बारे में, तो 1789 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1854 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। मोमिन, 1800 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1852 ईस्वी में कोठे से गिरने की वजह से दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सुरखैल हैं, ये कौल किसका है? पहले ऑप्शन आपके सामने है अब्दुलसलाम नदवी, दूसरे में है लाला श्री राम, तीसरे में मोहम्मद हुसैन आज़ाद और चौथे ऑप्शन में है मुसहफी। तो आप मुझे जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का, सही आंसर क्या हो जाएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा। तो चलिए, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, यानी अब्दुलसलाम नदवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सौदा की नज़मों का तजिया तफसील से किया जाए तो अवाम खसूसा मुसलमानों के अंदाज़े मुआशरत का खाका बहुत सफाई से खींचा जा सकता है, ये किसका बयान है? एहतशाम हुसैन का बयान है या फिर आलम सरूर का है या फिर कलीमुद्दीन अहमद का है या फिर मोहम्मद हसन अस्करी का है? तो चलिए, आप सब नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी सैयद एहतशाम हुसैन, सैयद एहतशाम हुसैन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। मसनवी सहर बयान के उनवानात के दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। मसनवी सहर बयान के उनवानात के दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जुमरा आपका सही है और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा आपका सही है। मसनवी सहरुल बयान बहुत अहम है, जैसे सहरुल बयान के माना क्या है, तो सहरुल बयान के माना है बयान का जादू। ये मसनवी कब लिखी गई है, अहम चीज़ है, साथ ही साथ में किसके अहद में लिखी गई है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, बहुत अहम फैक्ट है सभी। ठीक है जी, तो चलिए सबसे पहले आप नोट कीजिएगा, 1784-85 ईस्वी में ये मसनवी लिखी गई है। किसके अहद में भाई,
आसिफुद्दौला के अहद में, किसे अहद में लिखी गई है, आसिफुद्दौला के अहद में उसने लिखी गई है। अब ये बताइएगा सहर बयान से मुतालिक ये कौल किसका है। जमाने ने उसकी सहर बयानी पर तमाम शोरा और तस्करा नवेशों से महजर शहादत लिखवाया। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जमाने ने उसकी सहर बयानी पर तमाम शोरा और तस्करा नवेशों से महजर शहादत लिखवाया, ये बयान सहर बयान से मुतालिक किसका है। तो आपका जवाब हो जाएगा मोहम्मद हुसैन आजाद। नोट कर लीजिएगा मोहम्मद हुसैन आजाद। चलिए सहर बयान किसकी मसनवी है, मीर हसन की, तो मीर हसन का असल नाम क्या है जल्दी से बता दीजिए, बहुत अहम नाम आपका है। और साथ ही साथ में आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है ये भी आप मुझे बताएंगे। और इसी के साथ साथ में आपके वालिद का नाम क्या है। तो पहली चीज, आपका नाम मीर गुलाम हसन, जरूर याद रखेंगे आपका नाम है मीर गुलाम हसन, क्लियर सभी को। 1737 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1786 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम मीर गुलाम हुसैन, देखिए बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है यहाँ पे, मीर गुलाम हुसैन, क्लियर सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करूं पहले तौहीद यजदा रकम झुका जिसके सजदे को अव्वल कलम, किस मसनवी की इब्तदा मुनदा वाला शेर से हुई है, विकट कहानी, गुलजार नसीम, सहरुल बयान, फूलबन। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या है, करेक्ट आंसर क्या है। तो चलिए नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी मसनवी सहरुल बयान। दर्जन शोरा की उनके जमाने के एतबार से माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए कौन सी तरतीब सही है, बहुत अहम क्वेश्चन देखिए अगेन आपके सामने पूछा गया है। तो चलिए बता दीजिए सवाल का सही जवाब क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी सौदा, दो, अनीस, दबीर, जमील, मजहरी, सभी के बारे में बात भी कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले सौदा, सौदा के बारे में नोट कीजिएगा, 1712 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1786 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। देखिए ये चीज में आपको बार बार सुनने की और प्रैक्टिस करने की जरूरत है ताकि चीजें बिल्कुल आपके जहन में बैठ जाएं, और किसी भी क्वेश्चन को ऐसे भी आप भी सॉल्व कीजिए, सिर्फ आंसर के जानने तक महदूद मत रहिए, उसके बारे में और भी जो ऑप्शन उनको भी क्लियर करने की कोशिश किया कीजिए। चलिए दो के बारे में याद रखेंगे, 1789 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1854 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। अनीस के बारे में नोट कीजिएगा, 1802 ईस्वी में फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1874 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। दबीर के बारे में नोट कीजिएगा, 1803 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1875 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। जमील मजहरी, जिनका असल नाम है सैयद काजिम अली, नाम अहम है सैयद काजिम अली, 1904 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1979 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है मुजफ्फरपुर में। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उन्होंने शताबी उठाकर कलम, ये तारीख की फारसी में रकम, इस शेर पर किस मसनवी का इख्तिताम हुआ है। पहला ऑप्शन आपके सामने है फूलबन, दूसरा है विकट कहानी, तीसरे में सहरुल बयान और चौथे ऑप्शन में है गुलजारे नसीम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी मसनवी सहरुल बयान। जिस तरह उन्हें बहम मिलाया बिछड़े हुए सब मिले खुदाया, मुनजा वाला शेर पर किस मसनवी का इख्तिताम हुआ है। पहला ऑप्शन आपके सामने है कुतुब मुश्तरी, दूसरा है विकट कहानी, तीसरा है गुलजार नसीम और चौथे ऑप्शन में है सहरुल बयान। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, तो नोट कर लीजिएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी मसनवी सहरुल बयान। देखिए आज की क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं सभी क्वेश्चन बहुत अहम है, इसी तरह से आपको क्वेश्चन को तैयार करने की, प्रिपेयर करने की जरूरत है, क्योंकि ये सभी चीजें ऐसी हैं जो किसी भी एग्जाम का पार्ट बन सकती हैं और आपको एग्जाम में परेशान कर सकती है। अब मैं कुछ जनरल चीजें आपसे पूछने वाला हूं, उनके जवाब देने की आप कोशिश कीजिएगा, ठीक है, कुछ जनरल चीजें। जैसे देखिए किताब है लिसानी मुताले, कई बार क्लास में बता भी चुके हैं और एग्जाम में ये चीजें पूछी भी गई हैं, लिसानी मुताले के मुसन्निफ कौन है, जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। इसी के साथ साथ में हिंदुस्तानी लिसानियात,
हिंदुस्तानी लिसानियात किसकी तसनीफ है, इसके भी जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। अब इसी के साथ साथ में हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका, हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका ये किसकी किताब है, हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका ये किसकी किताब है। क्लियर सभी को? अब इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे मीजान, मीजान जो है तनकीदी मजामीन का मजमुआ है और ये किसके तनकीदी मजामीन का मजमुआ है, ठीक है जी। और इसी के साथ साथ में आप ये मुझे बताएंगे तबकातुश्शोरा, तबकातुश्शोरा जो है किसका तज़किरा है। और इसी के साथ साथ में गुलशन बेखार, गुलशन बेखार जो है किसका तज़किरा है। और इसी के साथ साथ में मखजन नुकात, रिवाइज कर लीजिए, बहुत अहम फैक्ट है सभी। और इसी के साथ साथ में मजमूए नक्ज, मजमूए नक्ज जो है किसका तज़किरा है, मजमूए नक्ज जो है किसका तज़किरा है। चलिए जवाब देने की सब लोग कोशिश कीजिएगा। तो पहली चीज नोट कीजिएगा, लिसानी मुताले ये किसी किताब है, ज्ञानचंद जैन की। किसकी है भाई? ज्ञानचंद जैन की। हिंदुस्तानी लिसानियात मुहियुद्दीन कादरी जोर की, मुहियुद्दीन कादरी जोर की। हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका सैयद एहतशाम हुसैन, सैयद एहतशाम हुसैन। मीज़ान फैज़ अहमद फैज़ की तनकीदी मजामीन का मजमुआ है। तबकातुश्शोरा कुदरतुल्लाह शौक का तज़किरा है, कुदरतुल्लाह शौक का तज़किरा है। गुलशन बेखार नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता, नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता। मखज़न नुकात किसका तज़किरा है? तो ये कायम चाँदपुरी का तज़किरा है। मजमू नज़्म कुदरतुल्लाह कासिम, कुदरतुल्लाह कासिम का तज़किरा है। और इसके मुरत्तिब हैं महमूद शीरानी, कौन भाई? महमूद शीरानी, बहुत अहम फैक्ट हैं ये सभी। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, इसी उम्मीद के साथ में कि सभी क्वेश्चन आने वाले आपके उर्दू के हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास को खूब शेयर कर दीजिए दूसरों तक, इस क्लास को खूब स्प्रेड कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफ़ीद हो सके, उर्दू के क्वेश्चन की रेगुलर प्रैक्टिस कर सके। कोई भी एग्जाम होगा डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि इस क्लास के पीछे बहुत एफर्ट होती है, एक जज्बा है जिसके तहत ये क्लास रेगुलर आप सबके सामने लाई जा रही है। तो आप लोग जो है इस क्लास को खूब शेयर कीजिए। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।